मन रूठ पराए रूठे और चल सिमी, सिमी मुझसे यहीं पे कल मिलने आना। हाँ ठीक है राखी। ख्वाब टूटे वादे टूटे सिमी, आज मैं हॉस्टल जा रही हूँ, अब नहीं मिल पाऊंगी। सिमी तुम अपना ख्याल रखना। हाँ कब आओगी राखी? मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आऊंगी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना रूठे तो। ये लो सिमी, जब भी मेरी याद आएगी तब इस लॉकेट को देखना। ठीक है राखी, दो में लगा देती हूँ। साथ छूटे ना सिमी, आप ये लॉकेट कभी मत खोलना। हाँ ठीक है राखी। राखी बेटा जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा है। ठीक है पापा, बाय सिमी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो प्लीज। साले तुझे छोड़ दूँ? हाँ तुझे। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है, पता नहीं इतने बड़े कॉलेज में मैं अकेली कैसे रहूँगी। दोस्त बनाने का भी तो मन नहीं करता, मेरी बस एक ही दोस्त है, मेरी बचपन की दोस्त। साले ले। इस टीचर को मार क्यों रहे हैं? ये लोग तो इस लड़के को मार डालेंगे, मुझे बचाना होगा। ले साले, ले, ले, चले, ले। इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार किसी लड़की का पीछा किया ना तो जान से मार डालूंगी। मिमिता खोल दे इसे। सिमी नहीं, ये सिमी नहीं हो सकती। अगर ये सिमी होती तो इसके गले में लॉकेट होती। ये मेरी दोस्त नहीं हो सकती, ये तो टूटे दिल ये टूटे ना रूठे तो खुदा भी। आज पता नहीं क्यों मेरी बचपन की दोस्त सिमी की बहुत याद आ रही है। सिमी तू कहाँ है? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ सिमी, बहुत। क्या हुआ राखी, तू इतनी अपसेट क्यों है? अरे नहीं यार, आज मेरी बचपन की दोस्त सिमी उसकी बहुत याद आ रही है। कहाँ है वो? नहीं पता, मैं तो हॉस्टल चली गई थी उसके बाद, पता नहीं अब वो कहाँ है। राखी तो अपसेट मत हो, तेरी बचपन की दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना तेरे साथ। होने वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार।
ये तो कल वाला लड़का है, जाके पूछ लेती हूँ वो लड़के ऐसे मार क्यों रहे थे। सुनो एक बात पूछो तुमसे, कल वो लड़के तुम्हें मार क्यों रहे थे? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ वो मुझे मार क्यों रहे थे? क्योंकि मैंने देखा वो लोग तुम्हें मार रहे थे और मैं बचाने जा रही थी, एक लड़के ने मुझे भगा दिया। बताओ ना वो तुम्हें क्यों मार रहे थे? जानना चाहते हो ना तो सुनो। साथ झूठे ना रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ झूठे ना गया। चल मैं तो रेडी है? माल तो रेडी है, तेरा पैसे रेडी है ना? हाँ पैसा तो रेडी है। दे पैसा दे। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। राहुल तुम लोग कॉलेज में ड्रग सप्लाई कर रहे हो ना? मैंने सब देख लिया, मैं अभी जाके सर को सब बता दूंगा। तुम लोग बहुत बूढ़े हो, बहुत गंदे हो तुम लोग। तू निकल यहाँ से, जल्दी निकल, हम सबको संभालेंगे। मैं अभी जाके सबको बता दूंगा तुम लोग बहुत गंदे हो। मिमिता अब क्या करें, हम तो फंस गए। अब हमें सिर्फ राह ही बचा पाएगी। राह? वो दोनों लड़के कॉलेज में ड्रग्स बेचते हैं। हाँ। फिर तुमने उसके दोस्त को बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो दो लड़कियाँ राह के लिए ही काम करती है। मिमिता खोल दे इसे। बहुत शौक है ना तुझे बताने का? पता है ये काम हम किसके लिए करते हैं? राह के लिए, राह के लिए, समझा? मंदिरा चल। अच्छा तो उस लड़की का नाम राह है। हाँ। और सुनो तुम इन कॉलेज में नए हो ना तो प्लीज उन लोगों से दूर रहना। हाँ हाँ अब से मैं उन लोगों से दूर ही रहूंगी। राखी क्या हुआ? अरे पता नहीं जब भी इस लड़की को देखती हूँ ना मुझे मेरे बचपन की दोस्त की याद आ जाती है। पर ये लड़की जा कहाँ रही है? लगता है छत पे जा रही है। अच्छा दो दिन से वो लड़का कॉलेज में दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया है। टेरेस से कैसी बदबू आ रही है। ये तो उसी लड़की की चिल्लाने की आवाज है। हाँ, चल चल चल। क्या हुआ? तुमने मारा है ना इसे? क्योंकि मैंने उस दिन देख लिया था तू इसे मार रही थी। मैं इसे क्यों मारूंगी? वो तो मैं उस दिन, मुझे सब पता है। मैं जा रही हूँ पुलिस को सारा सच बताने, तेरी असलियत बताने। रुक जाओ। ये क्या बोल रही थी? ड्रग्स? क्या ड्रग्स? मैंने ड्रग्स कब बेचा कॉलेज में? देख राखी ये पुलिस के पास जा रही है, ये ड्रग्स का मामला है। तू काम कर अब यहाँ से भाग जा। भाग जा राखी। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों भागूं? ये
इस रास्ते से नहीं रखे, पीछे वाले सूर्य से भाग जा। जा, 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 जा। दिनों से ऐसे भटक रही हूँ और कितना दिन भटकूंगी मैं। मुझे मिमिता से मिलना ही होगा और सिमी उसे भी तो बताना है ना कि मैं उसकी दोस्त हूँ। मुझे मिमिता से पहले मिलना होगा। माल लाया है ना? इसी रास्ते से जाती हूँ, कहीं कोई मुझे देख ना ले। माल रेडी है। मिमिता ड्रग्स बेच रही है। जब भी माल की जरूरत हो ना मुझे बोलना, क्योंकि अब से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। हमारे रास्ते का जो कांटा था वो हट चुकी है। क्यों, तुम्हारा जो दोस्त रहा था उसका क्या हो गया है? तुम लोग तो बहुत डरते थे उससे। वही तो कांटा था जो हट गया है। ये सब छोड़, पैसा निकल मेरा। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यहां। चल अब निकल। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों। हेलो मंदिरा, अपना काम खत्म करके जल्दी आ, अब हम बहुत पैसे कमाएंगे, जल्दी आ। हाँ ठीक है, रख। मतलब मंदिरा और मिमी कॉलेज में ड्रग्स बेचते हैं। सिमी ठीक कह रही थी, मुझे सिमी से मिलना होगा। वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह, कोई मुझे देख ले उससे पहले मुझे पहले सिमी से बात करनी होगी। सिमी, सिमी, तू रख सिमी, मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरी बचपन की दोस्त राखी। राखी, पर तेरा नाम तो रा है। हाँ, कॉलेज में सब मुझे रा करके बुलाते हैं। सिमी, मैं तेरी दोस्त हूँ राखी। ये लॉकेट मैंने तुझे दी थी, तुझे याद है ना राखी? यार ये कितना मिस किया राखी, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया सिमी। नहीं, तू तो खूनी है। नहीं सिमी, मैं खूनी नहीं हूँ। तू खूनी है, तू कॉलेज में ड्रग्स बेचती है। हाँ, कॉलेज में ड्रग्स बेचते हैं, पर मैं नहीं, मेरी दोस्त मंदिरा और मिमी वो कॉलेज में ड्रग्स बेचते हैं, मैं नहीं। नहीं, तू झूठ बोल रही है, तू ड्रग्स बेचती है। राहुल ने देख लिया था इसीलिए उस दिन मार रहे थे ना उसे। देख लिया था? नहीं सिमी, मैं राहुल को इसलिए नहीं मार रही थी, मैं तो उस दिन मिमिता और मंदिरा ने रागी तुम दोनों को ये चोट कैसे लगी? इसलिए हम दोनों को चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों का पीछा क्या? वो राहुल है, वो तो भोंदू जैसा दिखता है। वो भोंदू नहीं, वो बहुत हरामी है। कहाँ है वो राहुल? मुझे लेके चल उसके पास। चल चल, राहुल उस तरफ जा रहा था। चल। क्या मतलब तू ड्रग्स नहीं बेचती है? नहीं सिमी, ना ही मैं ड्रग्स बेचती हूँ, ना ही मैंने किसी का खून किया है, मुझे फंसाया गया है। सिमी, मुझे तेरी मदद की जरूरत है दोस्त, प्लीज मेरी मदद कर। हाँ मैं तेरी मदद करूँगी, बोल राखी मेरी क्या मदद चाहिए। थैंक यू सिमी। ठीक है, वहीं मिलते हैं। सिमी ठीक है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे मुझे ना पता चल गया है कि उस दिन उस लड़के का खून किसने किया है। क्या? हाँ,
मुझे सब पता है कि वो खून तूने और मंदिरा ने मिलकर किया है। क्या? हमने कोई खून नहीं किया, मेरे पास सबूत है। अब तुझे पता चल ही गया है तो तुझे नहीं लगता कि तुझे मरना चाहिए? रुक जाओ, तू ये क्या कर रही है? तेरे झूठ का पर्दाफाश करने आई हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे झूठ का पर्दाफाश करोगे? बचोगे तब ना? बच तो हम गए हैं, क्योंकि तुमने अपनी झूठ जो कबूली है वो देख कहाँ खड़ी है। तेरा सारा झूठ पकड़ा गया है मिमिता, अब तो बोल तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राहुल ने उस दिन हमें ड्रग्स बेचते हुए देख लिया था। मिमिता, अब क्या करें? हम तो फंस गए। अब हमें सिर्फ राह ही बचा पाएगी। राह? मिमिता, तू पागल हो गई है क्या? अगर ये बात राह को पता चली ना तो हम लोग फंसेंगे नहीं, सीधा ऊपर चले जाएंगे। तू बस देखती जा मंदिरा, मैं क्या करती हूँ। अब सांप भी मरेगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू चल मेरे साथ। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना ओ अल्लाह। वाओ मिमी, तेरा ये लिपस्टिक तो एकदम खून की जैसा दिख रहा है, और क्या मस्त प्लान बनाया है तूने। तू ये सब छोड़, पहले राखी के पास चल, वरना वो बेवकूफ राहुल सर को सब कुछ बता देगा। रागी, तुम दोनों को ये चोट कैसे लगी? तुमने और मंदिरा ने मिलके मेरे दोस्ती का फायदा उठाया है, और मैं तुम दोनों की बातें सुन के बेचारे राहुल को कितना मारा। पर उस दिन के बाद तो राहुल पीछा हट गया था ना, फिर तुमने राहुल को क्यों मारा? क्योंकि राहुल को हमारा सारा सच पता चल गया था। वाओ मिमिता, तेरा आइडिया तो मस्त था। हमारी प्लानिंग राखी को पता भी नहीं चली और उस बेचारे राहुल की बैंड बज गई। इसी को ही तो कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मुझे अपने दोस्त की नाम यूज करना बखूबी आती है। उस बेचारे राहुल को लगता है कि हम राह के लिए काम करते हैं, पर राह को तो हमारे इस धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मंदिरा, बेफिक्र हो जा, अब हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है क्योंकि मुझे अब सब पता चल गया है। तुम लोग उस दिन मुझे झूठ बोला ना कि तुम लोग राह के लिए काम करते हो। तुम लोग तो राह के दोस्त नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। मैं अभी जाकर राह को सब कुछ बता दूंगा। तुझे तेरा जान प्यारा है तो वही रुक जा। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, समझा? मैं अभी जाकर राह को सब कुछ बता दूंगा। मंदिरा, पकड़ इसे। साले रुक। राह को पता है। पहले चुप रहो। वो लोग लगता है राह के पास गया होगा। मैं आपको बाद में सब बता दूंगा। मंदिरा, ऊपर चल, वो डरपोक है, पहले वो उसका जान बचाएगा। मुझे पता था तू यही होगा। तुम लोगों को कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? क्योंकि तू डरपोक है, डरपोक, और डरपोक लोग पहले अपना जान ही बचाता है। और तू क्या बोल रहा था? राह को बताएगा, सबको बताएगा। मैं नहीं बताऊंगा। ये तो मर गया, अब क्या करें? इस लाश को यही कहीं छुपा देते हैं। अच्छा, मंदिरा हो गया, चल अभी ऐसे जल्दी जल्दी निकलते हैं। अच्छा, झूठ चाहे कितना भी छुपा लो, सर सामने आ ही जाता है। मिमिता, तूने सही कहा सिमी, लगा पुलिस को फोन, बुला। उस बेचारे राहुल को तुम लोगों ने मारा है ना, अब भुगतना, सड़ना जेल में।